आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की नियमित क्लासों की श्रृंखला में अपन देखेंगे विमीय विश्लेषण क्या होता है। विमीय विश्लेषण किसे कहते हैं, यानी डाइमेंशनल एनालिसिस। तो विमीय विश्लेषण मात्रकों को अपने को साधारण तरीके में या दैनिक उपयोग में हो, या फिजिक्स में हो, या केमिस्ट्री के अंदर हो, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना पड़ता है। जैसे अपन किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर को अपन फीट में बदल लेते हैं। तो मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने के लिए जिस मेथड का उपयोग करते हैं वो कहलाती है विमीय विश्लेषण, डाइमेंशनल एनालिसिस या इकाई गुणक विधि। अब इकाई गुणक विधि में मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में अपन बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, सीधे एग्जाम्पल देखेंगे विमीय विश्लेषण विधि के अंदर। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एक धातु का टुकड़ा जिसकी लंबाई 3 इंच है, तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए या परिवर्तित कीजिए, कितनी होगी। एक तो अपन सीधा बदल देते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ विमीय विश्लेषण में स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे। तो अपने को ये ध्यान में है कि 1 इंच जो है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच जो है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। अब ये एक, इसके एक गुणा है और इसके भी एक गुणा है, यानी एक जो है वो अपने को दिखता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही गुणा में रहता है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 1 इंच इसको उठा के इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 इंच बटा 2.54 सेंटीमीटर बराबर। यदि मैं इसको उठा के, यानी इस पार्ट को, इतने को उठा करके इधर ले आऊँगा 1 इंच बटा 2.54 सेंटीमीटर, तो ये पार्ट जब उठ के इधर आ जाएगा तो बराबर में क्या बच जाएगा, एक बराबर 2.54 सेंटीमीटर। इसको उठा के, यानी 1 इंच को उठा के इधर ले आऊँ तो 2.54 सेंटीमीटर तो है ही उधर, और 1 इंच और आ जाएगा 1 इंच, तो बराबर क्या बच जाएगा, यदि ये उधर चला जाएगा तो 2.54 सेंटीमीटर बटा 1 इंच और बराबर में क्या बच जाएगा, एक। ये कहलाते हैं बराबर, कहलाते हैं इकाई गुणक, इनको कहते हैं इकाई गुणक। अब एक मात्रक से दूसरा मात्रक प्राप्त करने के लिए अपन इकाई गुणक से गुणा कर देते हैं, और ध्यान ये रखना होता है कि इकाई गुणक के अंदर जिस मात्रक में अपन जो है वो राशि को प्राप्त करना चाहते हैं उसको अंश में रखना है, वो अंश में होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर सेंटीमीटर अंश में है, इंच हर में है, तो अपने को सेंटीमीटर में चाहते हैं, तो वो इकाई गुणक इस्तेमाल करना है जिसमें सेंटीमीटर अंश में हो, यानी जिसमें अपन मात्रक प्राप्त करना चाहते हैं वो अंश के अंदर होना चाहिए। तो अपने 3 इंच है अपने पास, तो 3 इंच बराबर हो जाएगा, 3 इंच को क्या कर दो, उस इकाई गुणक से गुणा कर दो, 2 बार 3 इंच दोनों तरफ रख दो, और फिर एक तरफ जो है वो उस इकाई गुणक से गुणा कर दो जिसके अंदर, जिस मात्रक में अपन राशि को प्राप्त करना चाहते हैं वो अंश में हो यानी ऊपर हो। तो सेंटीमीटर में चाहते हैं, सेंटीमीटर इसमें ऊपर है, तो 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो है अपन इसको ऊपर ले रहे हैं, इसको नीचे ले रहे हैं। तो 3 इंच इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 × 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, 1 × 5 = 15, 16 × 3 = 6, 7, 7.62 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यह तो हुआ पहला एग्जाम्पल।
यानी धातु का 3 इंच का टुकड़ा है और उसको सेंटीमीटर में उसकी लंबाई कितनी होगी वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 7.62 सेंटीमीटर का वो टुकड़ा है, इकाई गुणक विधि से। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। ये तो सरल सा ही था, वैसे सीधा आ जाता है, लेकिन अपने को स्टेप बाय स्टेप विमीय विश्लेषण से इस तरीके से हल करना है। 2 लीटर एक जग में 2 लीटर दूध है तो दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है? मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब में कैसे ज्ञात करेंगे? तो मीटर क्यूब में ज्ञात करने के लिए जो है वो अपने पास 2 प्रकार के मात्रक चाहिए, 1 लीटर को कन्वर्ट करने वाला। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर, ये पीछे पढ़ चुके हैं अपन वॉल्यूम के अंदर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 2 लीटर में 2000 सेंटीमीटर, तो 2 लीटर बराबर तो हो जाएगा 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बात हुई इसकी। अब अपने को सेंटीमीटर के, अपने को चाहिए मीटर क्यूब में आयतन। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। एक तो चाहिए लीटर को सेंटीमीटर वाला, फिर 1 मीटर और सेंटीमीटर का संबंध, क्योंकि अपने को चाहिए मीटर क्यूब में। तो लीटर दे रखा है तो लीटर का तो सेंटीमीटर क्यूब ये रिलेशन है, और मीटर का सेंटीमीटर के साथ ये रिलेशन है। अब इसको इकाई गुणक बना लेते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर को इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 1 मीटर बटा 100 सेंटीमीटर, और बराबर में 1 है ही, वो भी गुणा करके पिछली वाली मेथड में देखा था। 100 सेंटीमीटर को फिर 1 मीटर में भाग देते हैं, बराबर क्या है 1, यानी ये बन गए अपने इकाई गुणक। अब वो तो मीटर क्यूब में चाहता है, लेकिन अपने पास तो मीटर ही है, तो क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर 3 कर दो, मीटर को मीटर क्यूब में परिवर्तित करने पर 1 मीटर बटा 100 सेंटीमीटर की पावर कितनी लगाओगे? 3 बराबर 1 का क्यूब लगाओगे तो 1 ही होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 मीटर क्यूब, ये आ गया। अब इसको जो है 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब हो जाएगा 10 की पावर 2, तो ये रही, यानी 3 बार हो जाएगी। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 100 × 100 × 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बराबर, ये हो जाएगा 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 मीटर क्यूब। अब इसकी पावर 2, 2, 4, 2, 6, यानी ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बटा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 मीटर क्यूब, ये आ गया अपने पास। अब ये इकाई गुणक मीटर क्यूब में परिवर्तित हो गए हैं। अब 2 लीटर बराबर है 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब से अपने को मीटर क्यूब में चाहिए दूध का आयतन। तो अपने को रखना है 2 लीटर बराबर 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर बराबर 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू उस इकाई गुणक से गुणा करना है अपने को जिसमें मीटर क्यूब ऊपर हो, क्योंकि अपन जिस मात्रक के अंदर राशि चाहते हैं वो उसके अंश में होना चाहिए, उस इकाई गुणक के अंश में होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब बटा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 लीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6, ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, बटा 10 की पावर 6 मीटर क्यूब
दो लीटर बराबर हो जाएगा 10^6 ऊपर आएगी तो माइनस की, ये हो जाएगा 2 × 10³ तो पहले से ही है और माइनस हो जाएगा 6 m³। 2 लीटर बराबर हो जाएगा 2 × 10³, 6 में से 3 गए 3, माइनस के बचेंगे क्योंकि 6 माइनस का है 3 प्लस का है, m³। तो 2 लीटर बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻³ इस तरीके से अपन मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। ये मात्रकों के परिवर्तन की विमीय विश्लेषण विधि। अब आपको एक देता हूँ मैं, 2 दिन बराबर कितने सेकंड, इस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, 2 दिन के बाद में सेकंड आपको कैलकुलेट करना, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डिजिटल केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसके अंदर जो है, या मेरे पर्सनल नंबर पे, उसमें तो ओनली एडमिन कर रखा है मैंने, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप सॉल्यूशन जो है वो मैसेज कर सकते हो कि ये हल अपन ने कर लिया है। अब एक तो या दो शब्दों की व्याख्या देख लेते हैं यहाँ, एक है अपने पास यथार्थपरता और एक होती है परिशुद्धता। तो यथार्थपरता किसे कहते हैं, परिशुद्धता किसे कहते हैं, तो यथार्थता जो है वो होती है किसी राशि के लिए गए मापन जो है वो उसके वास्तविक मान से मेल खाते हैं तो वो है यथार्थता, और किसी राशि के लिए गए मापन एक दूसरे के समीपता प्रदर्शित करते हैं वो कहलाती है परिशुद्धता। जैसे मैंने आपको है वो 2 ग्राम सोना दिया तोलने के लिए, 2 ग्राम सोना, इसको 2 व्यक्तियों ने तोला, एक महेश ने एक रमेश ने, रमेश और महेश, कितना है एग्जैक्ट मान, 2 ग्राम सोना दिया उनको तोलने के लिए। अब रमेश जो है वो तोलता है उसको, तो उसको एक मान प्राप्त होता है 1.99, दूसरा मान प्राप्त होता है 2.01 ग्राम। तोल लाया, वापस आके बताता है कि एक बार तो 1.99 और दूसरी बार 2.01, दोनों का औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ग्राम ही आएगा। इसका मतलब रमेश के लिए गए मापन जो है एक दूसरे के समीपता प्रदर्शित करते हैं, यानी एक दूसरे के निकट हैं, ये परिशुद्धता है। और वास्तविक मान से भी क्या करते हैं, मेल खाते हैं, यानी 2 ग्राम दिया था, औसत भी कितना आ रहा है, 2 ग्राम, तो ये यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। महेश को दिया तो महेश ने एक बार तोला 1.94 ग्राम, दूसरी बार तोला तो आया 2.5 ग्राम, तो ये परिशुद्ध नहीं है क्योंकि लिए गए मापन जो है वो एक बार जो है अंतर बहुत का हो गया, 6, 5, 11 अंकों का अंतर है, तो इतना अंतर यदि प्रदर्शित कर रही है कोई भौतिक राशि और वो भी सोने में, तो ये परिशुद्ध नहीं है। अब यदि इनका औसत 2 प्रदर्शित करता है, 2.05 और 1.94 का, तो वो यथार्थ हो सकती है लेकिन एक दूसरे के समीपता प्रदर्शित नहीं कर रही है तो वो परिशुद्ध नहीं है। तो वे भौतिक राशियाँ जो वास्तविक मान से मेल खाती है, जिनके मापन वास्तविक मान से मेल खाते हैं, वो यथार्थ हैं, और यदि लिए गए मापन एक दूसरे की समीपता प्रदर्शित करते हैं तो वो है परिशुद्धता कहलाती है। यह है यथार्थता और परिशुद्धता, अपने को ध्यान में होनी चाहिए।